बिहार में पार्टी की जीत से उत्साहित हुए महाराष्ट्र के भाजपाई। फडणवीस का बड़ा कद, देर रात तक करते रहे नतीजों का इंतजार, आज मनाएंगे जश्न। नागपुर में नहीं होगा शीत सत्र। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में विधानमंडल कामकाज समिति की हुई बैठक में लिया गया निर्णय। वायु ध्वनि प्रदूषण को लेकर मनपा आयुक्त का फरमान, शहर में सुतली बम व तेज आवाज वाले फटाकों पर लगेगी रोक, बिक्री व उपयोग करने वालों पर रखी जाएगी नजर, नियमों की अनदेखी पर कड़ी कार्रवाई की दी चेतावनी। कोरोना मरीजों के आंकड़ों में कमी से आम लोगों के साथ ही उपराजधानी के बड़े अस्पतालों में भी राहत की खबर। पिछले 10 दिनों की बात करें तो मेडिकल अस्पताल में कोविड 19 के 930 मरीज तो वहीं अन्य बीमारियों के 3049 मरीज। अब नागपुर में भी होगी रेलगाड़ियों के चक्कों की मरम्मत। अजनी में लाई जाएगी 8 करोड़ की व्हील टर्निंग लेंथ मशीन। बाजारों में होती रही बिना मास्क खरीदारी, सोशल डिस्टेंसिंग का दिखा खौफ। शहर में 3 जगह लगी आग, अफरा तफरी और तनाव का माहौल बना रहा, महिला बाल बाल बची, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पा लिया गया काबू। मंगलवार को जिले में मात्र 238 नए मरीज तो वहीं 4 की हुई मौत, रिकवरी दर 54.70% पर। नागपुर विभाग के स्नातक चुनाव में भाजपा उम्मीदवार व महापौर संदीप जोशी और कांग्रेस से वंजारी कल भरेंगे नामांकन। बावन कुले ने भी की चुनाव प्रमुखों की घोषणा, जयप्रकाश गुप्ता बने चुनाव प्रमुख।